हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जानते हैं जो टैली में आपको ये पता करना पड़े कि कैसे हम ये देखें कि हमारा कितना स्टॉक बचा हुआ है या हमने कितना खरीदा है कितना बेचा है। भाई हम भी स्टॉक प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं, हम भी होलसेलर पार्टी से खरीद के लाते हैं और फिर हम बेच देते हैं उसे। तो हमने क्रेडिटर पार्टी से कितना खरीदा और कितना हमने डेटर पार्टी को बेचा ये पता करना है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। टैली ERP 9 में अगर ये करना है आपको तो अब सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली है, ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से सीधा चले जाइएगा कहाँ, स्टॉक समरी पर। अब स्टॉक समरी पर भी जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या प्रेस करना है, एस प्रेस करना है, सीधा एस प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर स्टॉक का पूरा डिटेल आ जाता है। अगर मान लीजिए साबुन की बात करें, ये लिखा हुआ है सोप, तो सोप की 154 नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास मौजूद थी जिसकी कीमत खरीद रेट हमने चुकाई थी 38 रुपए 38 पैसे। ठीक है, अब यहां पर इसको ओपन करता हूं। अब हमें ये देखना है कि मई में हमने कितना स्टॉक इसका खरीदा या बेचा या कुल मिला के कितना किया। तो यहां पे देखिए, यहां पे 67 क्वांटिटी यहां है, देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टोर से हमने परचेस किया था 67 क्वांटिटी। देख लीजिए यहां पे, ये डिटेल दिखाई पड़ रही है, हमने सेल किया है या नहीं किया है इसके लिए हमें देखना होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर सेल हमने किया है कि नहीं किया ये देखेंगे। देखिए अप्रैल में तो नहीं सेल किया लेकिन मई में देखते हैं, मई में आ गए और यहां पर आते हैं। ये देखिए यहां पर सेल दिखाई देगा आपको, यहां से सीधा सेल पर चले जाइए। तो मई में सोप की कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है, 10 क्वांटिटी हमने सेल की है, 10 नंबर ऑफ सोप हमने सेल किए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए 25 रुपए का एक बेचा है। तो ये देखिए यहां पर हमने खरीदा कितने का था और बेचा कितने का था, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। जब भी आप खरीदते हैं कोई सामान तो ये ध्यान रखना होता है और बेचते हैं तो भी ये ध्यान रखना होता है कि आपकी कॉस्ट क्या पड़ी, खरीद रेट क्या पड़ी। ठीक है, तो यहां देखिए रेट हमने लगाया 60 रुपए और हमने बेचा कितने का है, 25 रुपए का, तो यहां पर हमारा घाटा हो जाएगा। ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। टैली में यह भी देखना होता है कि परचेस जो होता है उससे ज्यादा का ही आपको सेल करना होता है। ठीक है, ऐसे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी और गलती से गलत नंबर एंटर कर बैठते हैं। गलत क्वांटिटी तो गलत नहीं होती है लेकिन अमाउंट गलत एंटर कर बैठते हैं तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसी गलती ना हो इसका ध्यान रखिएगा। ओके।